Pranada from mathymaths.com. Let's start with question number 2 and third part of exercise number 7.2. The statement of this question is actually we have to solve this inequality. इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन की बात है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो x है यानी जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब जो हमारे पास गिवन है ये है -6 is less than x -2 over 4 is less than x। अब देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ये चीज जो x -2 over 4 है ये सैंडविच हो रही है, तो इसको अगर हम टू पार्ट्स बनाएं तो एक तो ये पार्ट बन जाएगा और दूसरा ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो अब हम इन्हीं दोनों पार्ट्स को सेपरेटली यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी -6 इज लेस देन x -2 ओवर 4 और यहाँ पे x -2 ओवर 4 इज लेस देन 6। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो 4 है, यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है ये इस इनइक्वालिटी के इस साइड पर आएगा, तो ये -6 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -6 मल्टीप्लाई टू 4 इज लेस देन x -2। तो ये -6 मल्टीप्लाइड बाई 4 -24 इज लेस देन x -2। अब क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ये जो -2 है इसको इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी x इज ग्रेटर देन -24 +2 एंड इट विल बी इक्वल टू -22। अब इसके बिल्कुल इस साइड पे दूसरी साइड पे हम चलते हैं, ये है हमारे पास x -2 ओवर 4 दिस इज लेस देन 6। अब ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये इनइक्वालिटी की इस साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा x -2 इज लेस देन 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसके साथ ये जो -2 है इसको इस इनइक्वालिटी के इस साइड पर लेके आएंगे तो ये +2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज लेस देन 24 +2 दैट इज इक्वल टू 26। अब आप ये जो x है इसको आप ये समझ लें कि ये इसको वन टाइम तसव्वुर कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा -22 इज लेस देन x इज लेस देन 26। तो ये फाइनल स्टेटमेंट हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप उनसे कांटेक्ट करें, हमारा यूट्यूब का चैनल मैथ ही मैथ के नाम के साथ अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।